नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों के बारे में। महीने की समाप्ति के साथ ही कई चीज़ों में बदलाव होने लगता है। ऐसे में सितंबर महीना अब समाप्त होने को है और अक्टूबर महीने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में हमारे और आपके जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका असर हम सभी लोगों के जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि अगले महीने से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो सकता है। इसके साथ साथ कई ऐसी योजना है जिसमें कि बदलाव होने की बात कही जा रही है। तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों को लेकर। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन होगा लागू। RBI आए दिन अपने नियमों में बदलाव करता रहा है, जिससे कि आम लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में साइबर ठगी से बचने के लेकर RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। RBI 1 अक्टूबर से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के यूजर के लिए कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का नियम लागू कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस नियम के लागू हो जाने के बाद से कार्ड पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद आपको पेमेंट करते समय आपको जो है अपने कार्ड का CVV नंबर आदि डिटेल आपको नहीं भरना होगा। आपको बस टोकन नंबर डालकर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इससे उपभोक्ता साइबर अपराध से बच सकते हैं। अटल पेंशन योजना में होगा बड़ा बदलाव। बता दें कि 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव होने का जिक्र किया गया है, जिसमें कि केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में भी बदलाव होने का बात कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर के बाद से टैक्स पेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे। इस बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो वह इस योजना का लाभ 1 अक्टूबर से नहीं उठा पाएगा। अगर हम वर्तमान स्थितियों की बात करें तो 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है, लेकिन अब इसके नियम में बदलाव हो गया है। NPS ई नॉमिनेशन के नियम में हुआ बदलाव। 1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन स्कीम के ई नॉमिनेशन के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। कहा जा रहा है कि नए नियम के तहत NPS सब्सक्राइबर 1 अक्टूबर के बाद से ई नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी, यानी कि अब उनका NPS अकाउंट होल्डर अपने खाते को ई नॉमिनेशन की सुविधा पा सकेंगे। डीमैट खाते के नियम में होगा बड़ा बदलाव। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर के बाद से अब डीमैट खाते पहले से ज़्यादा सुरक्षित होंगे। बता दें कि पिछले दिनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में 2-फैक्टर ऑथराइजेशन इनेबल करना जरूरी है। इसके बिना 1 अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब कहा जा रहा है कि उस खाता को लॉगिन करने के लिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद ही अब डीमैट खाते सुरक्षित बन पाएंगे, या कहें कि चोरी से बचा जा सकता है। म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन जरूरी होगा। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो गया है। अगर कोई भी निवेशक इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे एक घोषणा पत्र में यह लिख कर देना होगा कि उसने नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेना चाहता है। आपको बता दें कि यह नियम की शुरुआत 1 अगस्त 2022 से शुरू किया गया था। गैस सिलेंडर के दामों में हो सकता है बदलाव। हर महीने पेट्रोलियम पदार्थों की समीक्षा होती है। ऐसे में रसोई गैस से लेकर डीजल पेट्रोल तक की समीक्षा की जाती है, जिसमें दाम बढ़ने और घटने की उम्मीद की जाती रही है। ऐसे में सितंबर महीने की समाप्ति के बाद यह कहा जा रहा है कि रसोई गैस के सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 1 अक्टूबर के बाद से गाड़ियों में नए डिजाइन वाले टायर लगेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से नए टायर के साथ ही गाड़ियां बेचना अनिवार्य होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये थे 1 अक्टूबर से होने वाले बदलावों की एक लिस्ट।